आते हुए मतलब देख रहे पूरा भींग चुके हैं नीचे से ऊपर तक। तो इस लेक की एक अपनी कहानी है, पूरा आना सागर लेक का जो पानी था वो पानी उस छोटे से बर्तन में आ जाता है और आना सागर लेक का जो है पूरा पानी सूख जाता है। तो गुड मॉर्निंग और वेलकम वंस अगेन, सेम डे पे आपका स्वागत है फिर से एक बार। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से उदयपुर के लिए, बट रास्ते में आना सागर लेक है उसे विजिट करते हुए जाएंगे। तो चलिए तो बस निकल रहे हैं यहाँ से, गाड़ी लेते हैं, लगेज रखते हैं और फिर यहाँ से भागते हैं तेज़ी में, क्योंकि आज हमें उदयपुर भी पहुँचना है जो कि यहाँ से लगभग ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर प्लस है। तो मैप देख लेते हैं आना सागर का रास्ता, और ये बड़े हेवी ड्राइवर हैं, सनग्लास पहन के चलाते हैं। बात ऐसी है कि हम नहाते हुए मतलब देख रहे हैं पूरा भींग चुके हैं नीचे से ऊपर तक, मैं पानी पी रहा था और गाड़ी खड़ी हुई थी, और ऐसे मैं करके दिखाऊं क्या, गाड़ी अभी भी खड़ी हुई है, मतलब मैं ऐसे पानी पी रहा था और इन भाई साहब ने गाड़ी स्टार्ट करके झटका दे दिया और पूरा का पूरा पानी मेरे ऊपर फटका दे दिया, और इनकी हंसी तो देखने वाली थी। मैं आ चुका हूँ इस वक्त आना सागर लेक के पास। तो ये रहा आना सागर। आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादाजी आनाजी चौहान ने किया था, और उन्हीं के नाम पे इस लेक का नाम जो है आना सागर रखा गया था, और 12वीं शताब्दी में उन्होंने इस लेक का निर्माण किया था। तो इस लेक की एक अपनी कहानी है, भी आपको बता दूं कि वैसे अजमेर को ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी भी कहा जाता है, और जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ तशरीफ लाए थे मतलब अजमेर आए थे, उस वक्त वो इस लेक के पानी से अपना वजू बनाते थे और पीने के काम में भी लाते थे। तो जब राजा को ये बात पता चला कि वो लोग पानी को गंदा कर रहे हैं, पानी में हाथ मुँह धो रहे हैं, तो राजा ने इस लेक के चारों तरफ पहरेदारी लगा दी, अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया ताकि ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ से पानी नहीं ले सके। जब ये बात ख्वाजा गरीब नवाज को पता चला तो उन्होंने अपने मुरीद को अपना बर्तन दिया, और एक छोटा सा कासा कहते थे पहले, प्याला टाइप का, कटोरी टाइप का, तो वो जब दिए और मुरीद से कहा कि जाओ और पानी को कहना कि ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया है, और मुरीद सीधा उस कांसे को लेके गया, लेक के पास पहुंचकर पानी से कहता है कि ऐ पानी तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, और पूरा का पूरा आना सागर लेक का जो पानी था वो पानी उस छोटे से बर्तन में आ जाता है और आना सागर लेक का जो है पूरा पानी सूख जाता है। जब ये बात राजा को पता चलती है तब उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के ताकत का पता चलता है, और उनसे माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी मांगने के बाद फिर आना सागर लेक में पानी को वापस कर दिया जाता है। तो ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं देंगे, और क्योंकि उदयपुर निकलना है हम लोगों को, और उदयपुर 300 किलोमीटर है, टाइम हो चुके हैं 10 बज चुके हैं, और यहाँ से जाने में उदयपुर आई थिंक 7 से 8 घंटा लग जाएगा, यानी 6-7 बज जाएंगे हम लोगों को उदयपुर पहुँचते पहुँचते। तो बस यहाँ से निकलते हैं उदयपुर के लिए, और आना सागर लेक को करते हैं यहाँ से बाय बाय, और साथ ही साथ अजमेर को भी करते हैं यहाँ से बाय बाय, और इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।